नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। रियो ओलंपिक्स के लिए रेसलर सुशील कुमार को उम्मीद है कि उनकी दावेदारी अभी खत्म नहीं हुई है और उन्हें रियो ओलंपिक्स जाने का मौका मिल सकता है। 74 किलोग्राम वर्ग में ओलंपिक्स का कोटा रेसलर नरसिंह यादव ने भारत को दिलवाया है, लेकिन सुशील कुमार भी इसी वर्ग में रियो ओलंपिक्स में भारत के लिए हाथ आजमाना चाहते हैं। ऐसे में कुश्ती फेडरेशन के सामने धर्म संकट है कि वो रियो ओलंपिक्स के लिए किसको भेजे, नरसिंह यादव को या फिर सुशील को। सुशील कुमार का कहना है कि इसके लिए ट्रायल होना चाहिए और उसमें और नरसिंह यादव में बाउट हो, जो इसमें जीते उसे ओलंपिक का टिकट मिले। सुशील कुमार के कहने पर कुश्ती फेडरेशन अब जल्द फैसला कर सकता है। तो सुशील कुमार का यह कहना है कि ओलंपिक्स में दो बार उन्होंने मेडल लिया है, इसलिए उन्हें ट्रायल का एक मौका मिलना चाहिए। आपकी क्या मांग है इस मामले पे? एक फेयर मौका आपको मिलना चाहिए, जिस तरीके से आप नहीं गए थे वर्ल्ड चैंपियनशिप में जब उसने क्वालिफाई। देखो जी, कोई ये तो है नहीं कि मैं पहली बार ओलंपिक में जा रहा हूँ। ओलंपिक के मैं दो मेडल जीत भी चुका हूँ और बस इसीलिए मैं लगा हुआ हूँ कि हाँ, हम कर सकते हैं, वहाँ अच्छा कर सकते हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक ट्रायल होनी चाहिए और मुझे मौका मिलना तो चाहिए, एक मौका तो मिलना चाहिए मेरे को कि हाँ भाई, मैं दिखा सकूं कि हाँ मैं फिट हूं, अच्छा कर सकता हूं। तो एक ट्रायल में तो कोई मेरे ख्याल से ऐसी परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सभी वर्ल्ड में ट्रायल देते हैं, जो अच्छे रेसलर हैं वो सब लोग देते हैं। और जो एक चीज़ बार बार उठी गई, पहले ट्रायल नहीं हुई, तो वो एक कारण मैंने बताया कि जब हम ओलंपिक में गए जब तो बहुत तगड़े थे हम, कोई हमारे पीछे नहीं था। और हो सकता है जब मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलता तो ये चीज़ ही नहीं होती। तो ये नहीं है कि मैं जूनियरों को भी मौका देता हूँ साथ में, ये नहीं कि मैं जाता हूँ और नहीं खेलता हूँ कहीं बाहर, तो वो बड़ा अजीब सा लगा। और देश हम पे खर्चा कर रहा है, ये नहीं कि अभी जॉर्जिया हम गए थे जॉर्जिया ट्रेनिंग के लिए, जो ओलंपिक की तैयारी नहीं करनी होती मेरे को, या जो हमारे सरकार है, मिनिस्ट्री है या फेडरेशन है, जो वो ये प्लान नहीं करती कि हाँ भाई ओलंपिक में सुशील को नहीं जाना है, तो वो ट्रेनिंग ही क्यों कराती, क्यों पैसा खर्च करती वो। तो अभी हम जॉर्जिया में लगा के आए हैं 60 दिन, तो वो एक प्रोसीजर मेरे ख्याल से वो कर लेंगे। अगर फेडरेशन ये फैसला लेती है तब अगला कदम सुशील आपका क्या होगा? नहीं, अभी तो मेरे को कुछ पता है नहीं, गया है तो जैसा भी होगा तो फिर मैं आपको लोगों को बताऊंगा। किसी से बात करने की कोशिश की आपने, प्रेसिडेंट साहब से? मेरा काम नहीं है जी, वो मेरा काम नहीं है वो। मेरा काम जो है मेहनत करना है और अपने आप को साबित करना है कि हाँ मैं अच्छा कर सकता हूँ। तो सुशील कुमार की बात आपने सुनी और उनका कहना है कि उन्हें मौका मिलना चाहिए। वहीं नरसिंह यादव ने कहा है कि रियो ओलंपिक्स के लिए उनकी दावेदारी मजबूत है, इसलिए वहां जाने का हक भी उन्हीं का है। जिस तरह अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप में मैंने मेडल लेके रियो के लिए क्वालिफाई किया था, तो जो भी रेसलर क्वालिफाई करता है वही ओलंपिक्स खेलता है, तो मैं क्वालिफाई किया और मैं ही ओलंपिक खेलूंगा जी। लेकिन इस तरह की जो बातें चल रही हैं कि सुशील कुमार को प्रमोट किया जा सकता है, हालांकि वो उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया है, अगर ऐसा होता है या इस तरह का जो एसोसिएशन है अगर इस तरह का फैसला लेता है, आपके पास क्या क्या ऑप्शन रहते हैं? देखिए, पहले तो एसोसिएशन ऐसा फैसला नहीं लेगी, क्योंकि 74 kg में आप कंटिन्यू देखेंगे तो मेरा ऑल ओवर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, चाहे एशियन गेम्स ले लो या कॉमनवेल्थ गेम्स ले लो या एशियन चैंपियनशिप ले लो। और हाल ही मैंने वर्ल्ड में मेडल लेके क्वालिफाई किया है, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरी। और सुशील जो है कि 66 kg की रेसलर हैं और उन्होंने उसमें परफॉर्म किया है, तो मैं 74 kg में ऑल ओवर आप देखेंगे पिछले 10 सालों से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, तो इसको देखते हुए फेडरेशन अच्छा डिसीजन लेगी और मुझे रियो भेजेगी। एक बात और है कि शायद एक मैच आपके और उनके बीच में टाई कराने की, एक मैच कराने की बात चल रही है, अगर फैसला कहीं किसी घड़ी पर लेने में मजबूरी होती है एसोसिएशन की, क्या आप मेंटली पहले तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं? देखिए, ऐसा है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि आप देखोगे ऑल ओवर की जो वेट कैटेगरी हुई है मेरी 74 kg है और मैं शुरू से मैं परफॉर्म अच्छा करते आया हूँ, तो मुझे पूरी उम्मीद है फेडरेशन से कि फेडरेशन मेरा नाम डिक्लेयर करेगी और मैं ही रियो ओलंपिक जाऊँगा। जब जो भी आज तक आप देखेंगे हिस्ट्री उठा के कि जब से क्वालिफाई राउंड चालू हुए हैं तब से जो भी रेसलर क्वालिफाई किया वही आगे परफॉर्म किया और उसका हक बनता है। तो इसी तरह मैंने भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीत कर जब क्वालिफाई किया, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और मुझे आगे भेजना चाहिए रियो के लिए। और मैं काफ़ी 100% श्योर हूँ कि मैं रियो से ओलंपिक अपने भारत देश के लिए गोल्ड लेके आऊँ। और वहीं भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह का कहना है कि लिस्ट में उसी का नाम है जिन्होंने क्वालिफाई किया है, और अगर कोई अपनी बात आकर कहता है तो किसे रियो ओलंपिक्स में भेजना है, ये फैसला देश हित में लिया जाएगा।
भारतीय कुश्ती संघ के सामने ऐसा कोई विषय है नहीं जी। और भारतीय कुश्ती संघ के सामने जब ये विषय आएगा तो इस पर देश हित में जो अच्छा होगा वो फैसला भारतीय कुश्ती संघ लेगा। और एक तरीके से हम कह लें तो ये मीडिया ट्रायल हो रहा है जी। ये मीडिया ट्रायल हो रहा है। आप अपनी तरफ से तय कर चुके हैं कि 74 किलो में नरसिंह यादव का ही नाम भेजा जा रहा है? नहीं, हम नहीं तय कर चुके हैं। अगर कोई ऐसी, मैंने पहले कहा है कि कोई बात आएगी तब भारतीय कुश्ती संघ फैसला लेगा। और चूंकि एक मीडिया ने आम राय बनाई है और खिलाड़ियों के भी बयान आए हैं जी, तो हम उस पर पूरी नज़र अपनी बनाए हुए हैं। हमारे यहाँ कोई फैसला अकेले हम नहीं लेते हैं। और वहीं रेसलर योगेश्वर दत्त का कहना है कि रियो ओलंपिक्स के लिए किस रेसलर को भेजा जाए इसका फैसला फेडरेशन करे, क्योंकि सुशील और नरसिंह दोनों की दावेदारी मजबूत है। आज तक तीन ओलंपिक मैं भी खेला, चौथा ओलंपिक है ये, कभी ट्रायल के दौर से गुजरना नहीं पड़ा। अगर ऐसा होगा तो पहली बार होगा, इसलिए ये हम इसमें कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि ये हमारा खुद का नहीं है, ये फेडरेशन का वो है और जो फेडरेशन को ठीक लगेगा वो ये करेगी, इसमें हम इन्वॉल्व नहीं हो सकते। और इस वक्त हम न्यूज रूम चलते हैं जहां से हमारी सहयोगी किरण चोपड़ा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं इसी मसले पर और जानकारी के साथ। किरण, अब सुशील और नरसिंह दोनों ही अपनी दावेदारी यहां पर जता रहे हैं, फैसला करना है कुश्ती फेडरेशन को, किस तरह के संकेत अब वहां से दिए जा रहे हैं, फैसला कब तक ले लिया जाएगा? देखिए मीमांसा, इस पूरे विवाद में जो मजबूत दावेदारी अगर हम देखें तो नरसिंह यादव की जाहिर तौर पर दिखती है, क्योंकि वो ही शुरुआत से जब से कुश्ती करते आ रहे हैं इसी वेट कैटेगरी में भारत का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। लेकिन ये सारा मामला तब पेचीदा हो गया जब इंटरनेशनल फेडरेशन ने सुशील की वेट कैटेगरी जो कि 66 किलोग्राम हुआ करती थी उसको ओलंपिक से बाहर कर दिया। तब सुशील ने 8 किलो वजन बढ़ाकर 74 किलोग्राम वेट कैटेगरी में आए और नरसिंह यादव के साथ उनका पूरा का पूरा ये सारा किया गया। लेकिन अब कुश्ती संघ के सामने सवाल है, लेकिन कुश्ती संघ का साफ कहना है अगर हमारे पास कोई आता है या खेल मंत्रालय इस मामले में कोई हस्तक्षेप करके हमें बोलता है कि एक ट्रायल करवाया जाए और जो खिलाड़ी का नाम अभी भेजा गया उसे बदला जाए, तो हम एक पूरी प्रोसीजर के तहत चलेंगे जिसके तहत पहले एक सिलेक्शन कमेटी बिठाई जाएगी, जिस सिलेक्शन कमेटी में कोच भी होंगे, ओलंपिक मेडलिस्ट पहलवान भी होंगे, प्रेसिडेंट होंगे, सेक्रेटरी होंगे, और वो ये तय करेगी कि क्या इस मामले में ट्रायल करवाया जाए या फिर उसी पहलवान को भेजा जाए, जो कि हमेशा की तरह होता है कि जिस पहलवान ने कोटा जिताया है वही पहलवान आगे ओलंपिक में खेलने जाता है। यानी एक बहुत बड़ा सवाल सुशील कुमार के लिए है, जो कि भारत के लिए एक मेडल प्रोस्पेक्ट माने जाते हैं, बड़े मेडल प्रोस्पेक्ट माने जाते हैं। इसी वेट कैटेगरी में उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल भी जीता था जी। तो कहीं ना कहीं एक उनका जो तीसरा मेडल जीतने का सपना है, दो मेडल वो जीत चुके हैं, वो अभी फिलहाल के लिए टूटता जरूर दिख रहा है जब तक कि फेडरेशन अपना कोई फैसला ना ले। दो बार के ओलंपिक विजेता रह चुके हैं सुशील, और उनका कहना है कि निष्पक्ष तरीके से अगर दो दो उम्मीदवार पर हैं तो उन्हें मौका दिया जाना चाहिए, ट्रायल होना चाहिए और तब फैसला किया जाना चाहिए कि रियो ओलंपिक्स में किसको भेजा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी किरण हमें देने के लिए।